समाज सेवी संगठन हक की आवाज के कोर कमेटी सदस्यों की एक विशेष बैठक स्थानीय रेस्ट हाउस में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष जसमेर सिंह सैनी द्वारा की गई। बैठक में इलाके की विभिन्न समस्याओं बारे चर्चा करते हुए उनके शीघ्र समाधान करने बारे रणनीति बनाई गई। उसमें हम कोई योजना लेके आए, 155 स्कीम माँ पता नहीं 155 हो गया, दिन में चला गया उनका लेटर खाया, मुझे पता लग गया मुझे क्या क्या मोहल्ले कोई लड़का मोटरसाइकिल काम सीख गया, उसने सब्सिडी के ऊपर दुकान पर काम वास्ता दर्जी या दर्जी का नाई का तो नाई का पर लोग नॉलेज नहीं है इस बात की, रहे थे वो सब्सिडी भी 153 स्कीम मार देना फिर कोई जूतियाँ काम सीख गया दुकान करना चाहे उसका पैसा मिलेगा कोई नाई का काम कर नाई का मिला था सैकल कर रहा है मोटरसाइकिल का कर रहा है सरकार लेकिन ये चीजें तो समाज को बताने की बैठक किन मुद्दों पे थी? आज की बैठक जो हक के अवैध संगठन की जो आज की बैठक हुई है वो शहर के जो मेन मुद्दे हैं, सबसे पहले हॉस्पिटल का और दूसरा जो सटोरे में विकास कार्य रुके हुए हैं, आज की तारीख में जो गलियां पहले बनी हुई थी वो टूटी पड़ी हैं, पीछे हमने सेक्रेटरी साहब को भी इस बारे में कहा था, आज फिर इस बारे में बैठ के सभी पूरे संगठन के चर्चा हुई है कि भी उस बारे में स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मिला जाएगा, हॉस्पिटल में तैनाती के डॉक्टरों की तैनाती के लिए और इमरजेंसी चालू कराने के लिए, कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी होती है तो यहाँ डॉक्टर मिल नहीं पाता तो मरीजों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इन मुद्दों पर आज चर्चा हुई। हम लोग पहले भी इस तरह के विषयों पर कार्य करके करते रहे हैं और आगे भी इसी तरह करते रहे। आज हमारे संगठन हक की आवाज़ संगठन की एक अहम मीटिंग हुई थी जिसमें कोर कमेटी के सभी सदस्यों ने भाग लिया, इसमें सलोरे के जो मेन मुद्दे हैं उनकी बात रखी गई और हमारा जो संगठन है हक की आवाज़ ये गरीब असहाय लोगों की पूरी मदद करता है, गरीब कन्याओं के विवाह कराता है और एक गरीब बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनका खर्चा उठाता है, सर्दियों में जूते बैग ये सारा खर्चा हमारा संगठन उठाता है गरीब बच्चों का, और दूसरी हमारी हम आपके माध्यम से आवाज़ उठाना चाहते हैं कि हमारा हॉस्पिटल में इमरजेंसी कोई सुविधा नहीं है तो इमरजेंसी सुविधा भी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, संगठन ने बात भी रखी है कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी सुविधा बहुत जरूरी है और ये होनी चाहिए, बाकी हमारा संगठन ऐसे ही गरीब असहाय लोगों की मदद करता रहेगा और कर रहा है। और बैठक थी वो किन मुद्दों के ऊपर थी? एक संगठन हमारे हक की आवाज़ संगठन जो मीटिंग हुई है संगठन को मजबूत करने के लिए, और एक मुद्दा था सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी उसको पूरा करने के लिए, और हमारे शहर के अंदर जो पब्लिक हेल्थ के ट्यूबवेल का पानी आ रहा है ना जी, जब तक सीवरेज डलया बहुत गंदा पानी घरों में आता है, चूस मारता है, कहीं ना कहीं कमी है, जिस टाइम ये लाइन डली पैप कटे इन्होंने प्लास्टिक के पैप डाल दिए, इसकी वजह से कीड़े रहे पानी में। तीसरा मुद्दा है गली का जी, मेन गली है जो उन पर काम नहीं लग रहा, टेंडर हो चुके वर्क ऑर्डर हो गए, एक उसके बारे में था हमारा मुद्दा, सेक्रेटरी साहब को मिले कल, ये हमारा मुद्दा था जी। ये गरीब कन्या की शादी का हमारा प्रोग्राम, कोई गरीब कन्या की शादी हो गरीब घर की रिश्ता गरीब करे शादियाँ न करेंगे उसकी, ये हमारा आज की मीटिंग का एजेंडा। हमारा एक संगठन का प्रतिनिधि मंडल हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जी को मिलेगा, जितनी भी समस्या हॉस्पिटल की है इसमें डॉक्टरों की कमी है और कोई कमी है उसके बारे में बहुत जल्दी ही हम स्वास्थ्य मंत्री को मिलने जा रहे हैं।